सलाम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर और मैं आपका मेज़बान अहमद फौजी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो जो पहली मंथ है चश्मे आशू यानी पिंक आई, सबका ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पिंक आई, क्या है ये बीमारी पिंक आई शुभ चश्म और ये क्यों किस तरह फैली है और इसकी वजह हाथ क्या है या फिर ज़्यादा देर क्या है। सबसे पहले तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि इससे पहले भी एक वबा आई, उसका नाम जो कोरोना वबा था, ठीक है जी। हमने उसमें क्या किया जी, हमने बाइक से मंगवाई जो भी उसके अपना एहतियाती तदाबीर है वो भी हमें आउटसाइड से पता चली कि इसमें ये एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी है, ठीक है जी। जब हमारे लोग मरने लगे तब हमें आइडिया हुआ कि हमें ये जो इकदाम करने चाहिए और उसके लिए हमने बाइल से इंजेक्शन मंगवाया, दीगर चीज़ें हमने मंगवाई एहतियाती तदाबीर मंगवा के और फिर हमने वो अपनाई। और अभी यही हो रहा है, अभी हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो इसमें नाकाम है, इसकी वजह हाथ धोने में नाकाम है और इसलिए हमें जो सादा से एहतियाती तदाबीर है वो ही अपनानी पड़ेगी जो आम घरेलू तदाबीर होती है। इसमें सबसे पहले तो जो एहतियाती तदाबीर में आता है कि फिर इसलिए रीज़न सामने नहीं आए कि ये क्या है, इसमें बीमारी क्यों ये पैदा हो रही है बीमारी और इसको हमने ना किस तरह डील करना है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। तो इसके लिए सिंपल और सादा एहतियाती तदाबीर है कि आपने सबसे पहले तो अगर आप ज़्यादा केयर करना चाहते हैं तो आपने ऐनक लगा के रखनी है, ग्लासेस आपने पहन कर रखनी है और दूसरा आपने हाथ मिलाना है तो सब मतलब हाथ मिलाएं, किसी से हाथ वगैरह मिलाएं। अक्सर आप खाना खाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आप हाथों को अक्सर धोया करें दिन में। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं यकीन करें आपके नज़दीक ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आने वाली। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक बख्शी है कि 5 वक्त की आप नमाज़ अदा करते हैं और आपको बीमारी बिल्कुल भी आपके नज़दीक नहीं आ सकती। और अगर तो नहीं कहते तो आपको हाथ बार बार धोने चाहिए क्योंकि हाथों की वजह से ये अक्सर भी फैल रहा है। और दूसरी बात ऐनक, अगर कोई किसी बंदे को हुआ ना आपके नज़दीक, आपके नज़दीक कोई बंदा इस बीमारी से मुबतला है तो वो आपने उसके जो भी इस्तेमाल आने चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि ग्लासेस हैं। अगर किसी बंदे को बीमारी है वो ग्लासेस अपने रख लेता है कहीं आप उठा के पहन लेते हैं तो यकीन करें आपको भी बीमारी वो हो सकती है, उसके लिए आपने उसके ग्लासेस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने बार बार आँखों को, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि आपको ऐसी अलामत मिलती हैं कि आप जैसे आँखों में चुपन से पैदा होना गैस बंदा करने लगता है, ठीक है, आँख लाल हो जाना और दिगर इस तरह आँखों में ख़ारिश होना दिगर इस तरह की कोई अलामत मिले तो आपने आँखों को ऐसे मसल ना लिया, आपने आँखों को ठंडे पानी से धोना है और इसमें ठंडे पानी से धोने के बाद उनको अच्छी तरह आपने हाथों से साफ़ नहीं करना, आपने टिश्यू लेना, टिश्यू से साफ़ करना है, ठीक है। अगर आपको कोई किसी को हो जाता है तो उसके लिए आपने ऐनक लगा कर रखना है और बार बार ठंडे पानी से आँखों को धोना है और ऐनक भी उतारें आपने सारा दिन। अगर ऐनक उतारेंगे तो उससे आपकी जो हवा है ना, हवा आलूदा हवा इंसान की आँखों में लगती है, उससे भी इंसान की आँखें वो बीमारी को रोक नहीं पाती, बीमारी जो है ना वो रुकने की बजाय बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना और ऐनक लगा कर रखनी है और जिनको भी हवा हुआ जाती है तभी में यही काम करें कि वो अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने बार बार हाथों को धोना है, आँखों को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोना है और दूसरे जिसको हुआ उसकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। और पिंक आई जो अभी इसके रिजल्ट सामने नहीं है पाकिस्तान में, ये अभी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इसमें नाकाम है, ये वजह आती है रिजल्ट ढूंढने में। और इसके अलावा आजकल में जो मामला सामने आए हुए हैं कि एक नई बीमारी इसमें दूर हो गई है, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और जो इसमें और मरीज मुबतला हैं जिनकी बनाई गई है अल्लाह ताला को शिफा दे। आज पूरी मेरी यही थी और मैं आपको मेज़बान अहमद फौजी, सो अस्सलाम वालेकुम।